मैं तुमसे बात करना चाहता था फास्टिंग के लिए. मुझे एक्चुअली यू नो फास्टिंग ने काफी हेल्प करी है, आई थिंक द वे आई लुक द वे आई फील. क्योंकि क्रॉसफिट जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था तो मैं खाना बहुत खाता था, मतलब दबा के पेट. मैं मुझे मुझे अच्छा लगता था, अरे मैं मोटा नहीं हो रहा, मैं सही हूँ, मैं तो इतना वर्कआउट करता हूँ. तो 3 बार 4 लोग मेरा कुत्ते, मतलब मैं दो दो मुझे याद है मैं फुट लॉन्ग सबवे लेता था, मेरी डाइट थी यार थी, डोंगा भर खाना बनाता था खा जाता था. बट आई बिलीव कि अगर मैंने कम खाना खाया होता उस वक्त तो मेरी बॉडी बहुत बेटर होती एंड आई कुड हैव डन बेटर थिंग्स. बट नाउ आई फील लाइक आई डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ टू मच. लाइक अगर मैं वर्कआउट किसी दिन मैं मुझे लगता है मैं कुछ हफ्ते 2 हफ्ते कई बार हो जाता है, यू नो यू गेट इन टू दैट कि वर्कआउट नहीं कर पाते, देन आई ट्राई टू ईट कम ईट लेस, स्किप मील्स, मैं दो दो तीन तीन दिन की फास्ट रख लेता हूँ. इट्स अ ग्रेट हेल्प बिकॉज यू नो यू फील लाइट, यू फील बेटर, एंड इट्स नॉट कि आपको पनिश ही करना है अपनी बॉडी को हमेशा. लाइक आप कम खाना खा के भी यू कैन बी एक्टिव एंड स्ट्रांग. तो आप बताओ, बिकॉज इंडिया में हम फास्ट करते हैं जनरली, व्रत रखते हैं भगवान के लिए उसके लिए, तो फास्टिंग एज अ हेल्थ बेनिफिट कैसे पता पड़ा तुम्हें, और उसके लिए बहुत डाउमा है स्टिल, लोग कहते हैं कि यू नो यू शुड नॉट स्किप एनीथिंग, तो क्या रिसर्च करी तुमने और कैसे दिमाग में आया, और फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ अपना फास्टिंग का. मैंने सबसे पहले फास्टिंग के बारे में पढ़ा था 2015 में. तो व्हाट हैपेंड, आई केम टू नो कि आई हैड थायराइड एंड आई हैड नो आइडिया एंड आई हैड फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड. तो मैं बड़ी जल्दी से वेट गेन कर लेता था और बड़ी जल्दी से, जब मेरा मन करता था कि जब मैं थोड़ा सा अपने खाने पे ध्यान देता था तो कम भी हो जाता था. लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है. बट 2015 में मैं एक सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और बड़ा दबा के खाता था क्योंकि उसमें बड़ा हैवी वेट उठाना था. तो मतलब मेरी डाइट बड़ी बड़ी वाहियात डाइट, क्योंकि मेरे को स्ट्रांग होना था जल्दी. तो मैं 4-5 ब्रेड लेता था, उस पर जैम और पीनट बटर लगाया और एक एक लीटर दूध लिया. तो वो एक टिपिकल जो वो नहीं इंडिया में कि अब वेट गेन करना है तो ऐसे कर लेंगे. और ये सब वो तब जब मैं काफी एजुकेटेड हो गया था न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को लेके, तब मेरे को लगा दिस इज द बेस्ट वे. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल वी जस्ट गिव इन कि चलो ठीक है यही वर्क करेगा. तो आई स्टार्टेड डूइंग एंड देन आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. तो आई वाज अराउंड 83-84 kgs एंड विद दिस हाइट देन आई स्टम्बल अपॉन, मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था एंड ट्रेन से जाता था उस टाइम. तो मैंने कहीं पढ़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मैं तरीके ढूंढ रहा था. जैसे वो क्रॉसफिट के को ढूंढा ना, ऐसे ही कुछ तरीके ढूंढ रहा था कैसे फैट लॉस किया जाए. एंड उस पे आया इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो उसी से मेरे को प्रिसीजन न्यूट्रिशन के बारे में पता चला. देन आई डिड द प्रिसीजन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन ऑल्सो. तो दैट गाय डिड द होल स्टडी ऑन हिमसेल्फ एंड उसी टाइम नए नए रिसर्चेस आने शुरू हुए थे फास्टिंग के ऊपर. तो उसमें एक फास्टिंग प्रोटोकॉल था 16-8, ये 16 घंटे फास्ट करो 8 घंटे खाओ एंड इससे बड़ा जबरदस्त मसल भी बनाई जा सकती है और फैट लॉस भी कर सकते हैं. तो जब मैं कैलकटा पहुंचा तो मैंने उसे 3 महीने लगातार किया 16-8. देन वो बड़ा मजा आने लगा. मतलब शुरू में थोड़े दिन तो दिक्कत हुई लेकिन फिर ऐसे खटाखट फैट लॉस होना शुरू हुआ कि 83-84 से मैं 76 पे आ गया विद इन 3 months. एंड एट द सेम टाइम बॉडी भी अच्छी दिखने लगी, मसल्स भी बनने लगी एंड एनर्जी भी बढ़ने लगी. मैं कह ये तो सही है यार, पैसे भी कम खर्च होते हैं और फायदा भी हो रहा है. देन आई गॉट लिटिल टू एक्साइटेड एंड आई स्टार्टेड डूइंग 1 meal a day इन 2015 अक्टूबर. बिकॉज फिर वो स्टॉल होने लगता है. अब 16-8 एक जैसी कोई भी चीज करोगे तो फिर वो मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है और वो स्टॉल होना शुरू हो गया. देन आई स्टार्टेड डूइंग 24 काइंड ऑफ 1 meal a day. तो उसकी वजह से मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हुई मेरे थायराइड में बिकॉज आई नीडेड टू ईट अ सर्टेन अमाउंट एंड उसकी वजह से कैलोरी इंटेक और भी कम हो गई. बिकॉज हम सब ह्यूमंस ही हैं, हमारी इच्छा होती है कि और जल्दी वेट लॉस कर लें. एंड एट दैट टाइम आई वाज 72, वेरी कंसिस्टेंट वेट लॉस फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर एंड आई वाज फीलिंग सो गुड. एंड आई देन आई केम टू 68
And then I started developing a lot of health issues, like feeling really weak and not able to do day-to-day work. And I started having cough and cold and allergies. And then I stopped fasting completely. Like something which I cared, I learned so hardly, in a hard way. And then it helped me so much. And then जब वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने शुरू हुए देन आई डिसाइडेड कि नो आई शुड जस्ट स्टॉप एंड सडनली आई जस्ट स्टॉप्ड देन अगेन फ्यू मंथ्स लेटर आई डिड अ 7 डेज वाटर फास्ट एंड बिकॉज आई अगेन स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड देन आई अगेन रेड अ बुक इन विच फास्टिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा था इट वॉज अ क्रिश्चियन बुक बेस्ड ऑन जीसस लाइफ एंड हिज 40 डे 40 नाइट फास्ट And I was so inspired that I said, okay, Buddha has done it, Gandhi has done it, Jesus has done it, so I will also do it. So, 7-day fast, and I lost a lot of weight. I came to 66, 67 kg. First time in my life, I saw my abs, and I realized, okay, no, this is the truth. And then I became vegan for a month or so. And then again, everything started going in downward spiral. That thing didn't work for me. Like water fasting and just followed by veganism, it actually tore my body apart. So then I just stopped. I did something wrong, I think. I was not informed enough. I didn't have enough knowledge to apply these two things together. So then I totally stopped. Then I stumbled upon this. Again, after this lockdown, sitting in home and I'm telling you vegetarian food and vegan food they don't work for me I don't know like I have done that whole calorie counting and having this much protein and all but I do a lot better on carnivore diet like I was in Calcutta I used to eat 2 steak a day 6 to 8 eggs and 2 steak and I was losing weight like crazy and I had really strong muscles and everything and then I came back and I started eating rajma chawal and all this at home और यहाँ तो allowed ही नहीं है घर पे अगर किसी को पता चल जाए तो मेरे ही steak बना देंगे तो इसलिए वही सब खाना शुरू किया and I gained a lot of weight again on my birthday I decided कि नहीं 3 days fast करेंगे and it helped me I mean ऐसा भी नहीं कि it is not helping me then I realized कि I didn't do fast properly now there are better researches than in comparison to 2015-16 And they are saying your metabolism will not go down. It will actually go up. If you will do multiple day fasting, it will help you a lot. Like 48 to 72 hour fasting is the best. And you can do it day in, day out. Like do 72 hour fast. Like you introduced me to snake diet. And when I saw Cole, I was like, this guy is mad or what? And I was so scared to do a 72 hour fast, though I had done it 7 day fast once. Like, no, man, it is so hard. But then I did it. It was hard. Then again, in July, I did it. It was hard. But every time I'm doing 3-day fast, I'm losing 3-4 kgs very easily. And then I'm again gaining that weight back because no control on food. But somehow I realized that it is not hurting me metabolically. I cannot blame fasting for my eating disorders or my thyroid. And that's why I decided to go for the 14-day reset and my body went into deep ketosis. I just finished this last Sunday. Oh, last Sunday. Oh. So this protocol is designed by Elliot Hulse. You know Elliot Hulse, right? So yeah, so this guy, he made this protocol that go on a 72-hour fast, do one refeed, then again 72-hour fast, one refeed on one day, Saturday, and one refeed on Sunday, and then go straight for 6 to 7 day fast. I went for 6 days, and I started, my starting weight was around 82 point something, and when I finished, I was 74.35 kg. So a lot of weight loss, but more than that, I will say fasting makes you mentally very strong. Ye to hai. And second thing is autophagy. So people don't take this thing very seriously, like, oh, how much weight you lost. But
more than that, the internal cleansing, the cellular cleansing which happens during the fasting, that's amazing. If you will do like 72-hour fast every month, then you will never get cancer. The probability of getting cancer is pretty low, because your body will regularize the whole system. It will eat its own dead cells. There will be no carcinogens left in your body. Then you are healthy again. So if we can just do a 72-hour water fast every month, we don't even need to worry about cancer. That's what studies say. Yes. And so I think everyone must fast, not just for fat loss. That is very important part. But you will stay long, you will live longer, you will live healthier, you will save a lot of money because you are not eating unnecessarily. You will feel lighter, like all these gut issues that people get, lactose intolerance and gluten intolerance and whatnot. All these intolerances are there because you eat those things too much. If you eat less, if you're eating in 2 days, and 2 days is nothing, like every week if you are doing 2 days fast, you are getting rid of all the ills which you are putting in your body, even if you are eating pizza day in, day out. Nahin, but agar banda healthy kha raha hai fir? Then toh he is doing amazing. He will get almost all the benefits of fasting. So autophagy is one, weight loss is second. So there is another thing, brain derived neurotrophic factor, BDNF. You'll become more intelligent if you'll fast. The BDNF rises in your brain, and you feel more energetic and cognitively more enhanced all the time when you fast. Like you are an experienced person, or maybe kahunga ki main bhi pichle 5 saalon se I have been playing around with fasting. Yeah. But कुछ लोग होते हैं यार, उनको मतलब सर में दर्द हो जाता है, उनकी जान निकल जाती है, मतलब अधमरे हो जाते हैं. तो उन लोगों को जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तुम क्या सलाह दोगे कि how do they start? They should never start with water fasting first. They should go on. Now we can give a name to that thing. We normally used to call it salt water, but now we call it snake juice. So you can have salted water. So I did this whole fast on salted water. So 1 teaspoon in 1 liter water, I used to add 1 teaspoon of sodium chloride, normal salt or pink Himalayan salt, and 1 teaspoon of potassium chloride. And these two things helped me a lot. So start with 1 day fast. Even if 1 day fast is very hard, so like initially you said, just skip one meal. Skip one meal. And if you are trying to do multiple day fast or even 24-hour fast, do it on this salt water. If you don't have potassium chloride, just do it on sodium chloride and lemon. And you will see it is very easy to go through, because mostly our cells functions on these two important salts, sodium and potassium. Sodium, potassium, if they are there in your cells in abundance, then you don't need to worry. You won't feel hungry. We feel hungry because our body needs sodium and potassium. And for that, we need food. First requirement is there. So if you are providing that requirement, then your body won't feel hungry and won't feel that starved so fast. Definitely after 5 or 6 days, like on the 6 days, on the sixth day, I was feeling pathetic. Till fifth day, I was so energetic. I did 5 day workouts. And normally I only train 3 days a week. I was not feeling inflamed, no soreness, nothing. And I was walking more than 10,000 steps every day. But sixth day was really hard. And how are tumhari body ko thoda, you know, hame pata hai ki kuch nahi hoga, mar nahi jayenge. Yes. But kuch logon ko lagta hai. Mere saath to jitna main fast karta hu, like it gets easier actually. Like yes. Start to wonder kya bhook kyun nahi lag rahi, kya ho gaya. And the best part is you have so much time to do so much creative things, like reading or doing making a video, or you know, spending time with family, and you become so grounded that you don't speak unnecessarily because you don't have enough energy to speak ill. साफ़ माफ़ करना चाहिए इंडिया में.
लड़ाई का एक्चुअली आई थिंक दैट इज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ चीजें जिस तरह से रिलीजियसली प्रीच की गई उनसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वरना फास्टिंग हमारे कल्चर में हमेशा से है कि एक दिन तो हफ्ते में फास्ट रखना ही है, फिर वो एकादशी का व्रत रखना है, और ये भी जैसे अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ द सर्केडियन कोड, इट इज ऑल अबाउट व्हाई वी शुड ईट आफ्टर सनराइज एंड व्हाई वी शुड ईट आफ्टर सनडाउन, एंड नाउ रिसर्चेस आर सेइंग कि वी शुड नॉट ईट आफ्टर सनडाउन. So even if someone can not do any kind of fast, and if they can just do the circadian fast, which is very simple, don't eat after sundown and only eat after sunrise. So almost 12 to 13 hour fast every day. And they have proved that you won't get fat if you will eat during this time when you need to eat. So if you can't do any kind of fast, just do this. या और हमारी तो कहावत भी है ना, लोग कहते हैं दो वक्त की रोटी, कभी ये नहीं कहते कोई तीन वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी होती. मुझे तो लगता है ये जो कॉर्पोरेशंस और फूड इंडस्ट्री ने लाइक आइडिया पुश किया कि ठूसते रहो खाना, प्री लंच स्नैक, आफ्टर लंच स्नैक, आफ्टर डिनर स्नैक, मतलब स्नैक मतलब खाते ही रहो. फिर कुछ पहलवान है आई थिंक 2000 में यू नो बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज हो गया था, स्पेशली WWF WWE के जो रेसलर थे, और वो 6-6 7-7 बार खाते थे. इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पर्सन. नो बट सी सुशील, दे वर ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, दे नीडेड फूड, एंड व्हेन यू आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देन यू कैन कन्वर्ट दैट होल फूड व्हिचएवर यू आर ईटिंग, व्हेदर यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, it all is going towards muscle synthesis. So that's why people were getting bigger and I mean unnaturally bigger. They were short framed and all, but still they were getting jagged. So their needs were different and they could handle it. But then mainstream dietitians started saying, you know, eat 6 meals a day. Even one of my client, I suggested her and she is doing this 36-hour fast every other day, so like every other day fasting, 36 hour fast and 12 hours of eating, and she has lost incredible amount of weight in last 3 months, and her dietitian is telling ki, no, this is very unhealthy, and she's saying I am healthiest in my life in last 3 months and you are saying it is unhealthy. Why is she going Yeah, I mean, see, she was just trying to trying to make a small talk with her dietitian ki ek baar pooch lete hain, and she's like, no, you should add some carbohydrate and you do this and do that. She's like, I'm feeling the fittest in my life when you are saying change it. And the even people try to hide the researches. And in this time and era, when people, you know, when they are going to buy gold or mutual fund or even potato, they see the prices online. ओके, बिग बास्केट पे इतने में मिल रहा है, ग्रोफर इतने में दे रहा है, इससे लेंगे. तो हम बड़े आसानी से इन सब चीजों में तो अपना दिमाग चला लेते हैं, पर जब हमें कोई कहता है कि फास्टिंग से फायदा होगा तो हम उस पे नहीं जाके देखते कि देख लें कि कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं, कितने लोगों को फायदा हो चुका है. हम वो नहीं देखते, हम क्या सोचते, मतलब पीपल आर आस्किंग व्हाट टू ईट फॉर फैट लॉस, गॉड डैम इट, डोंट ईट. क्यों खाना है? अगर एक दिन नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा. पीपल आस्क मी, अरे यार मैं अभी जिम जा रहा था, यहाँ गाजियाबाद में अभी लोकल जिम में, पांचवा दिन था मेरा, और मैं खटाखट पुलअप कर रहा हूँ, फिर उसके साथ में वो कुछ बैक स्क्वाट कर रहा हूँ, फिर स्प्लिट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो बोले आपको, आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आप है ना झूठ बोल रहे हो. मैंने कहा ऐसे ही समझ लो. तो बट यू कैन सी द चेंज, लाइक you are changing and people cannot digest this because they are not ready to do such drastic things in their life. And I think, you know, isiliye kuch log hamesha normal hi rehte hain. I'm taking this discussion towards the stoicism, but we need to take drastic step if we want to do something better in the life. Like this lukewarm approach ke nahi dheere dheere karke hum wahan pahunch jayenge, धीरे धीरे करके कोई ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचा है. आई डोंट थिंक एनीवन कैन. और अगर 5 दिन फास्ट, यू डिड 5 डे फास्ट ना, दैट वाज अमेजिंग. मतलब यू कैन नॉट डू इट
by, you know, thinking that you are normal. No. Normal people cannot approach such drastic things. They cannot. Because they don't have the willpower. No, but willpower bhi dekho badhane se badhti hai. It's like a muscle. Obviously, it's a muscle, yes. Yeah. So, jitna practice karoge, utna banega. और मेरा तो ये था, मैं तो क्योंकि अपनी फैमिली में दोस्तों में मैं देखता हूँ कि मतलब ठूसे जा रहे हैं मतलब लोग बहुत खाना खाते हैं और प्रॉपर, और आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, लाइक 50-60 साल पहले आप किसी की भी फोटो देख लो दादा परदादे की, एवरीबॉडी यूज्ड टू बी वेरी स्किनी, लाइक सूखे हुए हुआ करते थे बिल्कुल सबके सब, और खाना नहीं मिलता था लोगों को, भुखमरी से लोग इतने मर जाते थे, इट यूज्ड टू बी कॉमन. तो वी कम फ्रॉम दैट कल्चर की यू नो खाना इतना अबंडेंट नहीं था और बड़ी दिक्कत थी माल न्यूट्रिशन लोगों में, मेल न्यूट्रिशन का था लोगों में, तो वी गेट इट. बट अब तो मतलब हद मचा दी है, मतलब जगह जगह पे चाट पकौड़ी, अब के ये चाप, अब के वो चाप, अब के छोले भटूरे, फिर ये वो, मतलब समोसों को तो लोग खाना ही नहीं मानते, समोसे खाते अब खाना खाते. लोगों को एक्चुअली ये बात नहीं समझ में आती है, एक बड़ी सिंपल सी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की सिंपल सी चीज है कि हमारी बॉडी बस दो स्टेट समझती है, फैमिन और फीस्ट, इट डजंट अंडरस्टैंड एनी थर्ड स्टेज. तो जो हमें जो मेन स्ट्रीम डाइटिशियंस बताते हैं ना कि डेली कैलोरी कट कर लो, 500 कैलोरी कट कर लो वेट लॉस हो जाएगा, तो हम उस 500 कैलोरी कट करके जो बाकी की जो कैलोरीज है उसमें सब कुछ खाते हैं कचरा, कि भाई कैलोरी इन calorie out. But this is not the way this body works. After certain time, when you will get off that diet, you start getting that weight back because body is very intelligent. It will go towards the feasting stage. Yeah. So we have lived on this planet for millions of years. And humne dieting, whiting aur ye sara trend shuru kiya hai pichle 50-60 saal se. Kitna khana kha. तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, मशीन, पेस्टिसाइड्स, ये वो सीड्स, कहाँ मिलता होगा लोगों को? कुछ नहीं, 50 साल पहले तक, अरे इवन अमेरिका में भी नहीं था कि लोग दिन में 3 बार खा रहे हैं, उनके यहाँ भी नॉर्मल वही था कि बच्चे सुबह जाते थे, शाम को उनकी माँ बोला करती थी कि नहीं, जब वो स्नैक्स मांगते थे कि नहीं, यू आर स्क्रूइंग द डिनर, आई मीन नॉट यूजिंग द वर्ड स्क्रूइंग बट मेरे चैनल पे भाई कुछ भी बोलो, इट्स ओके. मैं ना एक चीज पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कि जॉगिंग एक्चुअली वाज इन्वेंटेड एट 1970s से पहले जॉगिंग हुआ ही नहीं करती थी, जॉगिंग जैसी चीज, क्योंकि या तो लोग चलते थे या लोग भागते थे. ये जो जॉगिंग की चीज है, एक्चुअली हुआ क्या कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यू नो अपने पीक पर था जो, और दुनिया में प्रोस्पेरिटी थी, जो स्पेशली जो बेबी बूमर थे अमेरिका के, यूरोप के पास जबरदस्त, मतलब जितनी प्रोस्पेरिटी उन्होंने देखी है किसी और जनरेशन ने नहीं देखी, बेबी बूमर्स ने. तो वो 1950s में यू नो एवरीबडी हैड अ हाउस, हैड अ कार, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया नौकरी सब, और खाना भी दबा के पेल रहे हैं क्योंकि यू नो ऑल फूड इंडस्ट्री सब कुछ बढ़िया. तो 1970s में वो लोग बुढ़े होने शुरू हो गए, बुढ़े कह रहा हूँ, मोटे होने शुरू हो गए. तो तब एक्चुअली जॉगिंग का इन्वेंशन हुआ है कि अच्छा बेबी बूमर मोटे हो गए हैं, अब थोड़ा जॉगिंग करने के लिए वेट कम करो. तो जस्ट इमेजिन बिफोर 1970s कोई जनरेशन मोटी नहीं हुई थी और जॉगिंग जैसी चीज हुआ ही नहीं करती थी क्योंकि वी never ate so much and we were always physically active. Even in India, अगर हम अपने engineering days की बात करें, तो class में hardly कोई मोटा था, hardly. एक दो लोगों को छोड़ दो, तो ऐसे मोटे हुए ही नहीं करते थे. 20-21 साल के लड़के मतलब शरीर बढ़िया होता. Main I think जो hit पड़ता है 25 साल के बाद, your body start storing fat. Even I will say, my father, 90s में he was not fat. और अभी तक वो पिछले 10-12 साल तक भी ज्यादा मोटे नहीं थे. And then suddenly start हो गया कि सब, और ऐसा भी नहीं कि metabolism 50 साल के बाद कम हुआ हो, तो पहले से ही कम होना शुरू हो गया था. लेकिन जो आदतें खराब होती, जैसे हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है इंडिया में कि हमें ऐसा लगता है कि सारी नौकरी, सारा पैसा वो इसलिए कमाया जा रहा है जिससे हम फाइनली बैठ सकें. मतलब
थॉट से जिंदगी गुजर बसर कर सकें. दैट इज द बिगेस्ट फैलेसी ऑफ आवर होल थिंग कि पैसे कमाओ और फिर बैठ जाओ, बैठ के खाना है. ये बैठ के खाने का जो जो कल्चर है ना, इसने सब कुछ गड़बड़ किया. वरना ठीक है, इफ समवन इवन ईटिंग अलॉट, इफ दैट गाय इज वॉकिंग एंड डूइंग वर्क, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन अभी एक्टिविटी लेवल इज जीरो. एंड अगर उसमें एक चीज और है कि अगर हम ये भी कर रहे हैं ना कि अगर हम जिम भी जा रहे हैं, आप अगर एक घंटे जिम भी जा रहे हो तो दैट इज जस्ट वन आवर ऑफ योर डे. एंड द अमाउंट ऑफ योर ईटिंग हैज नथिंग, आई मीन दैट वन आवर कैनॉट मैच दैट काइंड ऑफ कैलोरी यू आर इंजेस्टिंग. तो या तो भाई 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे मूवमेंट करो, कुछ ना कुछ करते रहो, या इट इज बेटर टू ओनली ईट वन मील अ डे. तुम्हारी बॉडी यार इवॉल्व हुई है पूरा दिन भर एक्टिविटी करने के लिए. हाँ, तुम्हारे एंसेस्टर्स खाना ढूंढते थे पूरे पूरे दिन. या फार्मिंग, तो यू नो इट यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेसफुल फार्मिंग करना, हंटिंग करना, लोगों जानवरों का पीछा करना. और मैंने तो एक चीज देखी है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंट्रोल माई पोर्शन. इम्पॉसिबल, क्योंकि खाना आजकल इतना स्वाद बनता है. ये कंपनियां, ये बाहर होटल चले जाओ, कुछ ऑर्डर कर लो, साले पता नहीं क्या अफीम डालते हैं, क्या नशा डालते हैं. जब स्वाद तो अगर हमें, जैसे मेरे को तो शुरुआत की बात याद है कि जब मैंने पहली बार मैकडी का बर्गर खाया था तो मेरे को लगा कि ये तो मतलब सबसे खतरनाक चीज है, 20 रुपए में बर्गर मिल रहा है. एंड इट वाज क्वाइट टेस्टी. एंड तो वहां जो ग्रेटर नोएडा में जो पहला मैकडी खुला था, तो हम डेली 20 रुपए का बर्गर खाते थे जाके. और उसकी वो पैटी इतनी अच्छी लगती थी कि उसकी वजह से चाट पकौड़ी खानी बंद कर दी थी, बिकॉज उसमें ज्यादा टेस्ट आता था. तो देन स्लोली स्लोली, तो इफ यू रीड दिस बुक ऑफ गैरी टॉप्स, व्हाई वी गेट फैट, यू विल सी. फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि कैसे ये लोग उसको प्रॉपरली, इवन ब्रेड को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है. अगर हम सार्डो ब्रेड खाएं तो हमें कभी ब्रेड पसंद नहीं आएगी, वो इतनी घटिया भद्दी सी ब्रेड होती है. लेकिन सबसे हेल्दी ब्रेड हम वो नहीं खाएंगे, हम व्हाइट ब्रेड खाएंगे, बिकॉज दैट इज टेस्टी, दैट इज स्मूथ. एक ये भी बात है कि अगर आप, मैंने देखा सेम खाना खाओ ना कितना भी स्वाद हो तो आप कम खाना शुरू कर दोगे. वैरायटी भी तो आजकल इतनी है, इंडिया में बैठ के चाइनीज फूड भी खा लो, कोरियन फूड भी खा लो, मुगलई भी खा लो, साउथ इंडियन भी खा लो, नॉर्थ इंडियन भी खा लो, राजस्थानी थाली भी खा लो. सुबह 5:30 बजे है लेकिन आई कैन स्टिल ऑर्डर पराठा एंड डोसा एंड एवरीथिंग 24 आवर. तो फिंगर टिप पे है हर चीज, मतलब कुछ भी दूर नहीं है. एंड दिस इज एक्चुअली, दिस इज द रियल टाइम. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फास्टिंग. यू वॉन्ट टू ईट, ईट, बट ईट वन डे फुली ईट. डोंट वरी अबाउट दिस एंड दैट, दिस मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड दैट. देन जस्ट गो ऑन 2 days फास्ट एंड सी द डिफरेंस इन यू. मैं जैसे, यू नो, आई एम अ बिजनेसमैन और मैं घर से भी काम करता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ. मेरे लिए, यू नो, इट इज सो इजी, क्योंकि मैं, एक तो मेरी, यू नो, गृहस्थी जीवन बड़ा बड़ा खुशहाल है. मेरी बीवी को मैं किचन में नहीं करता कि चल खाना बना मेरे लिए, खाना बना, ये वो कर. मतलब बीवी भी तुम्हारी खुश कि किचन में टाइम वेस्ट नहीं करेगी वो, तुम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, राइट? और मेरे साथ कई बार होता है कि, यू नो, आई मीट क्लाइंट्स एंड दे आस्क यू फॉर डिनर पे ड्रिंक्स भी हो जाती हैं, खाना भी हो जाता है. So then I don't eat it for the whole day. Phir main aaram se, you know, I can have some drinks, I can eat some shit, whatever. Or, you know, you enjoy your day, you enjoy everything, and you are saving time, saving money. It is incredible. And one very important thing is that when you are on fasting for more than 24 hours, the growth hormone, and especially in the males, the testosterone, they rise like crazy. If you are on a 72-hour fast, your body will produce like 8 to 10 times more growth hormone than it produces normally, because it is trying to save you now. So the money people put in growth hormone cycles and testosterone cycle, you can get the benefit of all those by just fasting. So
they must try to understand, especially I think our Indian, you know, this whole demographic must understand this whole idea ki bhai hamare culture mein, at least now people are understanding, they're doing the researches on our content jo hamare sadhu mahatma bole chale aa rahe hain kam khao. Theek hai, unke paas scientific reasoning nahi thi, wo keh rahe the ki shaam ko baad mat khao. देखा होगा, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा कि यार एंड हु नोज उन्होंने कभी की हो रिसर्चेस. अभी ऐसे तो हम बता भी नहीं सकते, हमें तो लगता है 10,000 साल पुरानी है सिविलाइजेशन, माइट बी मच ओल्डर देन दैट. तो लेकिन अब तो समझने की बात समझने की वो आ गई है कि भाई मूव करो, मूव ईट एंड फास्ट. आई विल से मूव ईट एंड फास्ट, दिस शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ. मैंने तो रिसर्च भी पढ़ी थी कि रैट्स में, जो कि जिनका डीएनए ह्यूमन से काफी सिमिलर है, 30% उनकी लाइफ बढ़ जाती है फास्टिंग से. एंड अब तो इंसानों में भी देख रहे हैं. एंड बड़ा सिंपल है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर एक को अपनी जिंदगी में एक बार कुछ नहीं तो 72 आवर का फास्ट करना चाहिए, एक बार देख ही लो. मतलब ज्यादा कुछ और ऐसा लगे कि मर रहे हो तो कोई जबरदस्ती तो करा नहीं रहा है, यू कैन जस्ट गो एंड ईट. अच्छा एक बात, कोई बंदा है उसको प्रिपेयर करना है तुम्हें 72 आवर फास्ट के लिए, तो 72 आवर फास्ट से 48 घंटे पहले उसको क्या करना चाहिए? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई विल से यू शुड कट डाउन योर कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली, एंड आई विल से प्रिपेयर एटलीस्ट 5-6 डेज बिफोर, so you can easily get accustomed to that new dietary change. So eat more protein and fat, and we call this state ketosis. So try to come to as close to ketosis as possible, because problem hoti hai jab hum sugar addict hote hain and then we start fasting, to hamari body mein jo insulin ka jo ek disruption create hota hai, because when you just stop eating suddenly, then your blood sugar starts going down, you're in hypoglycemia, then you feel agitated, that headache you talked about and that anxiety and all, it is just because we are so carb addicted that we don't want to stay without food. But when you are living your life for like just 3-4 days on fat and protein, so if you are a non-vegetarian, it is very easy, you eat more eggs, you eat more meat and all, and some vegetables, and keep it for till the day you are going to fast, and you'll see you won't even feel for at least 2 days that you are fasting, because your blood sugar is not going haywire because of that carb addiction. So if you, and even if you are vegetarian, you can eat more sprouts, dal, and avoid starchy food like rice and potato for 2-3 days, and have more paneer, milk and other things. And if you can have whey protein, have some whey protein. It will be a good preparation for your fast, and it will be very easy for you to survive that fast. So this is the classical way of preparing for a fast. Otherwise, definitely you will feel trouble. I mean, it's very hard. Sorry to interrupt. कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भूख है ना खुजली की तरह होती है. खुजली को जितना खुजाओगे एक जगह को, तुम्हें उतनी खुजली लगेगी. भूख के साथ भी सेम है, जैसे ही भूख लगेगी, तुमने खा लिया ना खाना, तुम हमेशा तुम्हें भूख लगती रहेगी. जस्ट लेट इट बी. जैसे हमें खुजली कंट्रोल करने के लिए हम नहीं खुजाते ना कि नहीं खुजाऊंगा, और खुजली चली जाती है. भूख के साथ भी सेम है, जो मैंने नोटिस किया है. अगर आपको लग रही है और आप अगले कुछ घंटे सर्वाइव कर गए, इट विल गो अवे. Definitely it will go away. It's not like ki, until unless you are diabetic, nothing serious will happen to you. But yeah, it will be very hard to fight through those hunger pains. Very hard. Kyunki aapki aadat hi nahi hai us sugar rush ko bardasht karne ki. Kyunki kya ho raha tha usse ek din pehle, jab bhi aapko bhook lag rahi thi, aap khat se kha rahe the. Aapne samosa khaya, aapki sugar up gayi. Phir insulin ne aake usse down kar diya. Phir aap भूख लगेगी क्योंकि आपकी इंसुलिन, आपका पूरा शुगर लेवल डाउन हो गया है, तो आपको फिर भूख लगेगी. आपने जाके सैंडविच खा लिया, फिर वो ऊपर चली गई, फिर आपने जाके जूस पी लिया. तो आपने उसकी आदत बनाई हुई थी अपनी बॉडी की टू बिहेव लाइक अ साइन वेव, जो आपकी हंगर की जो वो थी.
लेकिन फिर आपने क्या किया, लेकिन अगर आप ये करोगे लाइक इफ यू विल ईट मोर फैट एंड प्रोटीन सो देन इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन एंड देन यू वोंट फील दैट काइंड ऑफ डिप. द डिप विल हैपन, लिटिल बिट डिप विल हैपन एंड देन अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट विल नॉट बी लाइक दिस 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 एंड देन दिस. सी जो नोज डाइव ले जाएगी ना जो आपकी शुगर, जब तब प्रॉब्लम आनी शुरू होती है फास्टिंग में लोगों को. इसीलिए जो लोग नवरात्रि के फास्ट करते हैं उन्हें पहले दो तीन दिन में बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड मोस्टली दे स्टार्ट ईटिंग यू नो साबूदाने की बड़ी एंड दिस एंड दैट. खाली कभी कुछ खा लिया, कभी सीताफल की सब्जी, वो तो भैया इतना खाते हैं बस पूछो मत, वो फास्ट तो मजाक है. सो दैट्स व्हाई फास्टिंग के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज दैट खुजली विल यू नो बिकम अ रैश एंड देन रैश कैन बिकम अ वुंड. सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग. चलो ये तो हमने पहले की बात हो गई. अब फास्ट खोलने के बाद अब तीन किसी बंदे ने भाई हिम्मत करके तीन दिन फास्ट कर लिया, अब वो उसको तोड़ेगा और कैसे वो नॉर्मल आए कि वो दोबारा उसके बेनिफिट लूज ना करे. ओके, तो दो तीन चीजें करी जा सकती हैं. सबसे पहली चीज तो 72 आवर फास्ट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग फास्ट. तो लोग बड़े केयरफुल हो जाते हैं कि जी मेरे को सिर्फ जूस पीना है या फ्रूट्स ही खाने. नहीं, सबसे पहली चीज तो जूस या फ्रूट से अपना फास्ट मत ब्रेक करो, क्योंकि आपका इंसुलिन बिल्कुल सेटल हो गया था, वो शांत था, सोया हुआ था, आप उसे एकदम से जगा दोगे. डोंट डू दैट एंड देन वंस इट विल हैपन योर बॉडी विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर द सेम फूड्स अगेन. सो स्टार्ट विद समथिंग फैटी. सो जैसे अब तो इंडिया में एवोकाडोज आर अवेलेबल, सो स्टार्ट with something like avocado. It is fat-filled fruit. So again, your insulin won't spike. Otherwise, आप पनीर खा सकते हो. पनीर खाओ अगर आप vegetarian. Dairy product सही रहता है. It's a dairy product, but it will still not spike your insulin that high in comparison to juices or fruits. So first meal. मैंने सुना है काफी लोग watermelon और cantaloupe वगैरह से fast तोड़ते हैं. See, I will say that will be better if you are fasting a little longer. Like if you are doing a 5-day fast or 7-day fast, then it is okay because now your blood sugar is so low. So then it is fine. Even then, even if you want to break the fast that way, go with coconut water because it has very less carbohydrate. So it will be very easy for your body to, you know, fight with that fluctuation. So otherwise, if you are a non-vegetarian, go with bone broth. Bone broth is a better source. It contains collagen and a lot of micronutrients. It's very easily digestible. So start sipping bone broth and have it for a few hours, like 3-4 hours. Keep sipping some bone broth or coconut water. And then start ingesting something solid. But 3-day fast, mein, you don't need to bother too much about that what amount you are eating, but still stick to high fat and high protein. I'll say after having your coconut water or bone broth and all, go for a protein shake and then just call it a day. It's done. Next day, start having something a little bit more solid. So, apne fast ko 3-day fast ko fruit se mat break karo, jitna possible ho. Next day, fruits khao because you want to keep that insulin down. I'm not against fruits, but we don't want to spike that insulin and losing that initial. That's why people binge after fasting. Because once you spike that insulin, then your brain is again, it is not changed in 3 days. It will take a lot of time to set the rhythm of our brain. That's why I really admire snake diet. We should, most of us must go on a snake diet for, I will say, for 90 days or so. And then we'll be, that's my personal. 3 mahine snake diet karne se, I will say, see, permanent changes only comes if you go for at least 90 days. And I will say, like, see, after this 14-day fast, I'm not craving for coffee. I used to drink 6 to 8 cups of coffee. And that changed many things because now I feel energetic without anything because my insulin is not going up and down. Body is healthy crave karti hai khana fasting ke baad. Yes. And see now my sleep cycle is such a good
rhythm, I wake up at 4 o'clock without anything and I feel sleepy at 9:30. I don't know for how long this will continue, but but so far it is really working for me. So when I'll be back from Kedarnath from 1st of October, October, November, December, I am going to go for 72 and one meal kind of diet for 3 months. I want to change many things. And off the record, you'll go on a snake diet. You'll go on a snake diet. Yeah, abhi tak it was kind of snake diet for 14 days, but now I'm going to go on a proper snake diet, 48 to 72 hour fast, one large refeed, and I'll keep doing it till December. That is what I have planned. And I want to see how it is changing. So large refeed yoga, usme kuch bhi kha loge ya particular type of food? Last? मतलब जो mostly large feed जो तुम कह रहे हो बड़ा meal जो खाओगे या जो तुमने 14 दिन में किया वो generally किस type का होता है? Vegetarian और non-vegetarian दोनों के हिसाब से बताओ. Mostly try to eat high fat, high protein diet when you are breaking your fast. The way I just said that definitely now my family has allowed me to eat eggs, so I will break my fast with some boiled eggs. And I prepare actually, like I order avocado specially for that day and coconut water. And even when I make this whole thing, that paneer, I add a lot of butter and all in that paneer. So reducing glycemic index a little bit more lower and then going for that and having some chole, some rajma, something like that. So beans पे रहो. अगर beans suit करते हैं तो कुछ लोगों को नहीं करते हैं तो you can make a very big salad, like 3-4 तरह की सब्जियां लो, grill them or saute them and start with that. And you can have even your simple dal chawal sabzi roti, that won't hurt you. What hurts is breaking your fast with pizza. What hurts breaking your fast with the way we traditionally do with chole puri, with chole halua. No, that is bad. But if you are breaking your fast, break with protein shake, break with some paneer if you're a vegetarian, and break with some avocado, and like even breaking with watermelon is also fine. There is a little bit sugar, but a lot of water is there. So I think, I have no respect left for vegetarianism or veganism, because I saw very vegetarian white. I know. I mean, but we have the scientific backgrounds. We are educated as scientists in a way, like engineers are in a way scientists. And when I started, I was very skeptical about carnivore diet. But when I did it for 1 month, I am telling you, I was feeling like I was never stronger than this. So I never wanted to stop that, but yeah. No, it's okay. I'm also vegetarian. You know, a documentary, I don't know if you have seen it, Game Changer. वो yeah, तो देख और जो मेरा मानना ये है कि जो तुम मीट खाते हो वो भी वेजिटेरियन जानवर ही हैं जिनको तुम खा रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक नेचर में इफ यू ईट लॉट ऑफ कॉलीफ्लावर, लॉट ऑफ ब्रोकली, अंडे के मामले में ये है कि मैं फ्री रेंज एग खाता हूँ. क्योंकि द रीजन फॉर मी टू बी वेजिटेरियन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कंपैशन रीजन. Yeah, ethical reason that I don't want to kill an animal. So, mere hisab se free range organic eggs jo hote hain, they are much kinder way of, you know, getting eggs from. No, see, I totally agree with this sentiment, and I totally respect that. But what I am saying is, we are not here to just survive. We are here to thrive, and we were able to survive for so long. Not because we were ethical, but because we decided to stay alive and stay alive in the most strongest manner. देखो अगर सब्जी फल मिलने बंद हो गए तो मैं सबसे पहले मैं ही मार के खाऊंगा आदमी को. तो ऐसी बात नहीं. But नहीं नहीं मैं आदमी को बाद में मारूंगा. मैं बता रहा हूँ, like surviving skills तो अपने बहुत तगड़े हैं. अगर वक्त आने पे आया तो जरूर काट के मारेंगे, but
अभी तो चल रहा है, आई थिंक इट्स गुड. देयर आर नॉट वेजिटेरियन वीगन पीपल आई बिलीव हु आर यू नो स्पेशली इन योगी कम्युनिटी, इन योगा कम्युनिटी, एंड यू नो दीज पीपल वो दे कैन डू इनक्रेडिबल थिंग्स जो कि एक बड़े भी नहीं कर सकता, एंड दे आर मोस्टली वेजिटेरियन पीपल. नो नो सी देयर लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट देन नॉर्मल वेजिटेरियन पीपल. And you have seen vegetarianism in India. What kind of बोले पूरी वाला तो वेजिटेरियन में मानता ही नहीं है ना. तो भाई जब तक आप अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन या वीगन डाइट खा रहे हो तो आपको 1.5-2 किलो सब्जी डेली खानी पड़ेगी प्रॉपरली. सैलेड बनाओगे और चीजें लोगे. And then you need to add some supplements to fill those. No, but you are talking about an athlete. I think कोई रेगुलर बंदा है मेरे जैसा जो कि बैठ के काम करता है, इसका मोस्टली काम कंप्यूटर पे या लोगों के साथ होता है, लाइक आई एम नॉट दैट फिजिकली एक्टिव, आई डोंट नीड दैट मच कैलोरीज, आई थिंक इट्स फाइन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. बट चलो इट्स अ वेरी डिबेटेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दो. आई थिंक हमने बात कर ली फिटनेस पे और फास्टिंग पे. अब क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा आपसे कि क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए फास्टिंग ट्राई. तुम्हें पता है मेरी सबसे ज्यादा मोस्टली मैं भी इमिग्रेशन पे वीडियो बनाता हूँ अबाउट कनाडा बिकॉज आई वर्क इन दैट इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट 4,000 व्यूज हो गए हैं मेरी 5-day फास्टिंग को लेकर. और एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, आई डोंट शेयर इट टू एनीवन, समहाउ पीपल कम अक्रॉस इट. आई थिंक टिल नाउ बस एक नेगेटिव कमेंट आया है, बाकी मोस्टली पीपल आर क्यूरियस अबाउट इट. सो एक क्लोजिंग रिमार्क उन लोगों के लिए जो कि मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं एंड हु आर क्यूरियस अबाउट फास्टिंग. मैं यही बोलूंगा कि बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन विदाउट इवन ट्राइंग यू मस्ट गिव इट अ शॉट फॉर एटलीस्ट 24 hours एंड सी हाउ योर बॉडी इज बिहेविंग. सो वी लिव इन एन era where everything is so easily available, just try to deprive yourself for one day and you will see the magic of that minimalism. You will realize the benefit of that one day of not eating. And I think that is not the service towards others, that is the service towards yourself. So ek bar try karna to zaruri hai, otherwise we'll never be able to. We can keep criticizing other people and their ways of doing things. But if you really want to start, go for one day fasting and see how it changes you. Not just your body, but the way you think and behave. Mm-hmm. So that is what my 2 cents are about trying the fasting. Good, bro. Thank you so much. So hopefully... Thank you so much, Sushil, for inviting me on your channel. No, I'll keep calling you on my channel because... पिछले कुछ महीने मेरे पे भी बड़े भारी रहे हैं क्योंकि मेरा बड़ा गंदा स्नोबोर्डिंग एक्सीडेंट हुआ था तो आई कुड नॉट इवन वॉक फॉर अ मंथ और टू. और फिर मेरी अभी रिस्ट में प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट डू पुशअप्स वेरी, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इनटू थिंग्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई सम थिंग्स एंड वुड लाइक टू शेयर. नो नो मैन, योर एक्सपीरियंसेस. या आई एम गेम.